सेथ रॉलिंस ने लिया तगड़ा हिल्टन, रे मिस्टीरियो बने ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन और जानिए क्या कुछ हुआ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस आज की रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन रॉ थी। आज की रॉ के अंदर दोस्तों हमने ऐसी ऐसी थिंग्स देखी है जो कि छक्के छुड़ाने वाली थी, जो कि शॉक करने वाली थी। रॉ की शुरुआत हुई दोस्तों सेथ रॉलिंस के हील टर्न के द्वारा। तो जैसे ही रॉ ओपन होता है दोस्तों हमें थिंग देखने को मिलती है कि सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर पहले से खड़े हुए हैं और उनके सराउंड में रेसलर्स खड़े हुए हैं, वो सारे रेसलर्स जो कि रॉ रोस्टर का पार्ट है। जहां दोस्तों सेथ रॉलिंस पहला ही शब्द एज ए हील बोले, क्या चीज देखने को मिली कि क्राउड चीख रही है सीएम पंक, जिस पर सेथ कहते हैं कि उन्होंने कोशिश की थी सीएम पंक को वापस लाने की, भड़काने की, लेकिन वो नहीं आया। इसके बाद वो ये चीज कहते हैं कि शायद सीएम पंक जो है वो डेस्क के पीछे छिपकर ही खुश है, जिस पर क्राउड उन्हें काफी ज्यादा बू करती है। इसके बाद सेथ रॉलिंस ये चीज कहते हैं कि NXT वालों ने उनका पोछा बना दिया। और इसके बाद वो जो कहे वो सबसे मेन थिंग थी, वो कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन तुम हमारी टीम के अंदर वीक लिंक थे। इसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन वहां से निकल जाते हैं गुस्से में। इसके बाद दोस्तों वो AOP वालों की झंड करते हैं, AOP वालों की इंसल्ट होने पर AOP वाले भी वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद वो रे मिस्टीरियो को ये चीज कहते हैं कि तुमने तो बिल्कुल ही नाक कटा दी, तुम और तुम्हारे स्टूपिड सन ने मिलकर कुछ नहीं किया, जिस पर दोस्तों रे मिस्टीरियो भी वहां से निकल जाते हैं और एक एक करके जितने भी स्टार्स वहां सराउंड में खड़े थे वो वहां से निकल जाते हैं और सेथ रॉलिंस बस चीखते चिल्लाते हैं। जहां हमें ये चीज देखने को मिलती है कि सेथ रॉलिंस के पीछे खड़े हुए हैं केविन ओवंस, और केविन ओवंस को देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो केविन ओवंस को ये चीज कहते हैं कि वो NXT के दलाल है, और ये चीज भी कहते हैं कि वो NXT से बिके हुए हैं, जिस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि केविन ओवंस उनकी बातों का जवाब देते हैं स्टनर के द्वारा, उन्हें स्टनर लगता है। सेथ रॉलिंस वहां पड़े रहते हैं, क्राउड चीयर करती है और केविन ओवंस वहां से निकल जाते हैं। तो शुरुआत में ही दोस्तों हमें सेथ रॉलिंस का हील टर्न देखने को मिल गया। बात कर लीजिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि सेथ रॉलिंस बैक स्टेज आ चुके हैं जहां उनका इंटरव्यू हो रहा है। सेथ रॉलिंस ये चीज कहते हैं कि केविन ओवंस तुमने काफी बड़ी गलती कर दी, मैं आज तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूं। ये फाइट दोस्तों मेन इवेंट में होनी थी। बात कर लीजिए उसके बाद क्या कुछ हुआ है। तो गाइस उसके बाद दूसरी थिंग हमें जो देखने को मिली वो था रूसेफ का रेट्रीब्यूशन। तो रूसेफ ने आज अपना बदला ले लिया। हुआ क्या कि लैशली और लाना आए, जहां लाना ने काफी अश्लील ड्रेस पहन रखी थी। दोनों रिंग के अंदर आते हैं और वहां दोस्तों हमें फाइट देखने को मिलती है लैशली वर्सेस टाइटस ओनील के मध्य, जहां जैसे ही लैशली पकड़ बनाते हैं मैच के अंदर पीछे से आ जाते हैं रूसेफ और सीधा हमला बोल देते हैं। लाना कोशिश करती है कि रूसेफ रुक जाए, बोलकर दोस्तों कहती है कि रूसेफ रुक जाओ, लेकिन रूसेफ नहीं रुकते। वो लैशली को पीटते ही जाते हैं और रैंप पर ले जाते हैं, जहां ये थिंग देखने को मिलती है कि पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले हथकड़ियां बांध देते हैं रूसेफ के, लेकिन रूसेफ क्या करते हैं कि दौड़ते हुए जाते हैं और शोल्डर टैकल लगाते हैं लैशली को, और लैशली रैंप से जाकर गिरते हैं सीधे नीचे, जिस पर लोग चिल्लाने लगते हैं रूसेफ डे, जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है कि रूसेफ को ले जाने लगते हैं, लेकिन रूसेफ फिर भी नहीं रुकते। वो क्या करते हैं कि लैशली जो कि नीचे पड़े हुए थे उनके ऊपर एक स्टील स्ट्रक्चर गिरा देते हैं लात मारकर। उसके बाद और भी पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि रूसेफ को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। तो क्रेजी नजर आए हैं आज रूसेफ और अपना बदला ले लिया उन्होंने, बहुत मजा आया। बात कर लीजिए उसके बाद क्या कुछ हुआ। गाइस इस सेगमेंट के खत्म होने के बाद हमें देखने को मिला AOP का इन रिंग रिटर्न। तो AOP दोस्तों प्रोमो पर प्रोमो काटे जा रही थी, लेकिन आज उनका इन रिंग रिटर्न देखने को मिला, जहां दोस्तों उन्होंने फेस किया कर्ट हॉकिंग्स और जैक राइडर को। ये मैच कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। कुछ ही मिनटों में दोस्तों AOP वालों ने अपना फिनिशर धर दिया उन्हें और कर दी उनकी पिन। इस तरीके से दोस्तों AOP इस मैच पे विजय रही। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हमें देखने को मिली वो था दोस्तों आपके अकीरा तोजावा वर्सेस अंद्रादे के बीच में 1-on-1 मैच। ये भी काफी शॉर्ट मैच था और इसके अंदर हमें अंद्रादे की प्योर डोमिनेंस देखने को मिली, जहां दोस्तों मैच का रिजल्ट इस तरीके से आया कि अकीरा तोजावा को लगी हैमरलॉक DDT और उनकी हो गई पिन, अंद्रादे इसमें विजय रहे। इसके बाद दोस्तों अगली थिंग जो हमें देखने को मिली
वो था अलस्टर ब्लैक का बैक स्टेज प्रोमो। तो अलस्टर ब्लैक दोस्तों बैक स्टेज एक प्रोमो काटे है, जैसे हर हफ्ते वो काटते हैं। इस बारी दोस्तों ने ये थिंग कही कि वो बड़ी मर्फी को चैलेंज करते हैं और बड़ी मर्फी को वो नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हमें देखने को मिली वो शॉकिंग तो थी, लेकिन साथ ही साथ वो काफी डिसअपॉइंट करने वाली भी थी। वो थी मैट हार्डी की वापसी। तो मैट हार्डी का दोस्तों जैसी थीम बजा लोग हो गए पागल। मैट हार्डी वहां आते हैं, जिन्हें ज्वाइन करते हैं, बड़ी मर्फी दोनों के बीच में मैच होता है। वहां दोस्तों ये थिंग देखने को मिलती है कि मैट हार्डी अपने फिनिशर को जाते हैं, लेकिन बड़ी मर्फी से नी खाकर चित हो जाते हैं और वहां दोस्तों उनकी हो जाती है पिन। बड़ी मर्फी मैच को जीत जाते हैं, जिसके बाद बड़ी मर्फी क्या कहते हैं, बड़ी मर्फी माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं कि अलस्टर ब्लैक मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। जैसे ही उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, वहां अलस्टर ब्लैक का थीम बजा, वो दौड़ते हुए आए और बड़ी मर्फी पर दावा बोल दिए। सबसे पहले लाते मारी, उसके बाद नी मारी, जिस पर बड़ी मर्फी वहां से भाग खड़े हुए। तो अलस्टर ब्लैक दोस्तों एक अलग ही करेक्टर नजर आ रहे हैं। बात कर लीजिए उसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो गाइज उसके बाद जो अगली थिंग हमें देखने को मिली वो था ओसी एंड एजे स्टाइल्स की एंट्री। तो सबसे पहले दोस्तों एजे स्टाइल्स आए हैं और हमें क्या थिंग देखने को मिली कि एजे स्टाइल्स की फाइट होनी थी हम्बर्टो के साथ। हम्बर्टो की एंट्री होती है, बहुत अच्छे से होती है। हम्बर्टो जैसे ही रिंग में उतरने लगते हैं, पीछे से ओसी के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं, जो कि कर देते हैं हम्बर्टो की गंदे वाली पिटाई, उन्हें मैजिक किलर लगाते हैं स्टील स्टैप्स के ऊपर। अब हम्बर्टो वहां कम्पीट नहीं करने वाले थे, तो ऐसे में दोस्तों हमें क्या थिंग देखने को मिलती है कि जैसे ही एजे स्टाइल्स रिंग में जाते हैं, वहां रिकोशे का थीम बज जाता है। रिकोशे वहां एक तरीके के रेस्क्यू को कम बल्कि चैलेंज को ज्यादा आए थे, वहां रिकोशे चैलेंज कर डालते हैं एजे स्टाइल्स को टाइटल के लिए, जहां हमें ये थिंग देखने को मिलती है कि एजे स्टाइल्स उनका जो चैलेंज है वो डिक्लाइन कर देते हैं, जिस पर दोस्तों हमें रैंडी ऑर्टन का थीम बजता हुआ नजर आता है। रैंडी ऑर्टन आते हैं और रैंडी ऑर्टन भी वही सेम चैलेंज रखते हैं एजे स्टाइल्स के सामने कि वो उन्हें फेस करना चाहते हैं। एजे स्टाइल्स उन्हें भी डिक्लाइन कर देते हैं, जिस पर दोस्तों वहां ड्र्यू मैकइंटायर आते हैं, ड्र्यू मैकइंटायर भी सेम थिंग कहते हैं, उन्हें भी डिक्लाइन मिल जाता है, जिस पर दोस्तों वहां आ जाते हैं अंत में रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो को भी दोस्तों वहां चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होता, जिस पर रिकोशे ये चीज कहते हैं कि क्यों ना वो चारों एक दूसरे को फेस करे और जो उनमें से जीते वो फेस करे फिर जाकर एजे स्टाइल्स को, जिस पर एजे कहते हैं कि ये आइडिया सही है, लड़ो सालो। जिस पर हमें ये थिंग देखने को मिलती है कि वहां फैटल फोर वे मैच देखने को मिलता है, जहां दोस्तों ड्र्यू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस रिकोशे वर्सेस रे मिस्टीरियो हो रहा था। इस मैच के अंदर दोस्तों सबसे पहले हमें ये थिंग देखने को मिलती है कि रिकोशे और रे मिस्टीरियो टेक आउट कर देते हैं ड्र्यू और रैंडी को, लेकिन उसके बाद दोस्तों रैंडी और ड्र्यू मैकइंटायर की टीम बन जाती है, जो कि फिर डोमिनेट करती है इन दोनों को। जहां अंतिम क्षणों में ये थिंग होती है कि रैंडी और ड्र्यू मैकइंटायर भी आपस में भिड़ जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं। अंतिम क्षणों में दोस्तों कुछ ऐसा सिनारियो बचता है कि रिंग के अंदर खड़े हुए हैं आपके रिकोशे और रे मिस्टीरियो, जहां दोस्तों रे मिस्टीरियो लगा देते एक तगड़े वाला रोल अप और वहां हो जाती है रिकोशे की पिन। इस तरीके से दोस्तों वहां रे मिस्टीरियो मैच को जीत चुके थे और बन चुके थे नंबर वन कंटेंडर, और उनका मैच इस मैच के ठीक बाद होना था, यानी कि एजे स्टाइल्स वर्सेस रे मिस्टीरियो। ये मैच कुछ समय बाद स्टार्ट होता है। मैच के अंदर ये थिंग देखने को मिलती है कि रे मिस्टीरियो जो कि काफी थके हुए थे, खूब पिटाई खाते हैं एजे स्टाइल्स से, लेकिन दोस्तों जैसे ही वहां 619 लगता है एजे स्टाइल्स को, एजे स्टाइल्स रेफरी के ऊपर गिर जाते हैं, रेफरी उनके साथ गिर जाता है। रे मिस्टीरियो स्प्लैश तो लगाते हैं लेकिन रेफरी गिर चुका था तो पिन नहीं हो पाती है, और वहां देखने को मिलता है ये कि ओसी वाले इंटरफेरेंस कर डालते हैं और अंदर घुसकर रे मिस्टीरियो की पिटाई करने लग जाते हैं, जिस पर दोस्तों रेस्क्यू को आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन, जो कि हाल फिलहाल में फेज में तब्दील हुए, वो रिंग में आते हैं और ओसी वालों की तगड़ी पिटाई कर डालते हैं। वहां ये थिंग देखने को मिलती है कि एजे स्टाइल्स जो है वो खाते हैं 619 और उसके बाद खाते हैं आरक्यू। रेफरी उठ खड़ा होता है और कर डालता है वहां पिन, जिस पर दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि रे मिस्टीरियो बन चुके हैं ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन। वहां डोमिनिक आते हैं और अपने फादर को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। रैंडी ऑर्टन के लिए काफी चेयर भी देखने को मिली और यहां दोस्तों काफी अच्छा मोमेंट बना है। यहां जो रे मिस्टीरियो थे वो सर्वाइवर सीरीज के बाद सभी की आंखों का तारा बने हुए थे और यहां उनकी विक्ट्री हो गई। काफी मजा आया, काफी बेहतरीन सेगमेंट था। बात कर लीजिए उसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस उसके बाद जो अगली थिंग हमें देखने को मिली वो था दोस्तों आस्का बनाम शार्लेट फ्लेयर के मध्य एक मैच। इस मैच का अंत दोस्तों इस तरीके से हुआ कि वहां कायरी सेन आ गई, जो कि डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है, जिसके तहत दोस्तों आस्का मौके का फायदा उठा जाती है। वो ग्रीन मिस्ट फेंकती है शार्लेट फ्लेयर के मुंह के ऊपर, जिससे शार्लेट फ्लेयर हो जाती है अंधी और आस्का कर डालती है उनकी पिन रोलअप लगाकर। यहाँ दोस्तों फिर से शार्लेट फ्लेयर को
कर दिया गया स्क्रू, बात करी जाए उसके बाद क्या कुछ हुआ। तो गाइस उसके बाद जो अगली थिंग हमें देखने को मिली वो था एरिक रोवन का मैच। तो एरिक रोवन का मैच हुआ एक लोकल कॉम्पिटेटर के साथ, और इस बारी फिर से दोस्तों एरिक रोवन अपने साथ उस जीव को लाए हुए थे पिंजरे में जो बंद है। यहां दोस्तों ये थिंग देखने को मिली कि एरिक रोवन ने अपना फिनिशर लगाया, मैच को जीता और निकल गए। इसके बाद हमें थिंग देखने को मिलती कि एजे स्टाइल्स बैकस्टेज काफी गुस्से में तमतमाए हुए, कुछ भी नहीं कहते हैं, वो सिर्फ ऑर्टन का नाम लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। साफ सी बात है कि आगे जाकर एजे वर्सेस रैंडी एक लंबी राइवलरी चलने वाली है। बात कर ली जाए मेन इवेंट की, तो गाइस इसके ठीक बाद मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग रखा गया था जो कि था सेथ वर्सेस ओवंस, जो कि शुरुआत में ही तय हो गया था। इस मैच की शुरुआत में दोस्तों में थिंग देखने को मिलती है कि सेथ रॉलिंस मार खाकर बाहर निकलते हैं और चेयर पकड़ लेते हैं, रेफरी उन्हें रोकता है। यहां दोस्तों सेथ प्योर हील लग रहे थे, जहां दोस्तों आगे जाकर ये थिंग देखने को मिलती है कि रिंग में दोनों अपने अपने मूव सेट को दिखाते हैं, दोनों एक दूसरे पर काफी अच्छे से पड़ रहे थे टूट टूट कर। ये थिंग देखने को मिलती है दोस्तों अंतिम क्षणों में कि जो केविन ओवंस है उनका स्टनर लगता है सेथ को, और सभी को लगता है कि वहां पिन हो जाएगी, लेकिन थिंग बच जाता है एओपी वालों का। एओपी वाले आते हैं जहां दोस्तों केविन ओवंस एक एओपी के मेंबर को थप्पड़ जड़ देते हैं, जिस पर वो सबसे पहले केविन ओवंस को ही पीटना सही समझते हैं। ओवंस को गंदे वाले पीटते हैं, कॉर्नर पर मारते हैं, उसके बाद उन्हें दोस्तों एक तरीके से डिस्ट्रॉय सा कर देते हैं, जहां हमें ये थिंग देखने को मिलती है कि सेथ रॉलिंस उठ खड़े होते हैं पर एओपी वाले उन्हें ना मारकर वहां से निकल जाते हैं। और सेथ क्या करते हैं कि जो केविन ओवंस वहां से हल्के हल्के उठ रहे थे उन्हें लगा देते हैं कर्ब स्टॉम्प, उसके बाद दूसरा कर्ब स्टॉम्प और उन्हें मिलती है तगड़े वाली बू, सेथ वहां से निकल जाते हैं। तो कहना पड़ेगा दोस्तों रॉ का अंत काफी ड्रामेटिक तरीके से हुआ, काफी मजा आया आज की रॉ के अंदर। 5 में से मैं इसे दूंगा दोस्तों 4 स्टार, आप कितने स्टार देंगे कमेंट करके बताएगा जरूर। बट आज की वीडियो इतनी थी, पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।